गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल हमने रात को थोड़े से गप्पे मार के सो गई थी। मेरी जो दूसरी सिस्टर है वो स्लीपिंग लास्ट नाइट व्हेन आई केम आई कुडंट मीट हर, क्योंकि मैं जब मॉर्निंग में व्हेन शी लेफ्ट फॉर ऑफिस मैं सो रही थी। सो आई डिसाइडेड, मैं वैसे आज जाने वाली थी पुणे, बट देन आई डिसाइडेड कि मैं आज रुक जाऊंगी एंड आई विल गो टू पुणे टुमारो। आई वांटेड टू हैव समथिंग इन ब्रेकफास्ट, बट दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है टू सेंड माय सिस्टर्स आउट फॉर समथिंग, टू गेट समथिंग। और अभी जो मेरी दूसरी सिस्टर है हु इज इन कॉलेज, शी इज स्टिल sleeping here. She had an event, वो बाहर जाने वाली थी, but पता नहीं morning में उसका mood change हो गया, she decided कि वो नहीं जा रही और अब वो सो गई है. And I'm tired of asking her to go out and get the breakfast that I wanted to have, but I don't think she is getting up anytime soon. तो ये मेरी sister morning में पोहा बना के गई हुई है and मेरा बिल्कुल भी इसको देख के खाने का मन नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने बोला था, it isn't easy to wake my sisters up for anything. तो अभी मैं खुद ही जा रही हूँ टू गेट ब्रेड्स एंड ऑल फॉर माय ब्रेकफास्ट। अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगी मेरी सोसाइटी बाहर से उसी बाहर है। गॉश, आई एम लुकिंग फैट गाइस, आई हैव लेफ्ट फ्रॉम हियर नाउ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम सो ग्लैड कि मैं नीचे आई। दैट्स माय सोसाइटी गाइस, ये पार्किंग है व्हिच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ माय बिल्डिंग एंड यहां से राइट साइड अगर लेते हैं तो यहां पे सारे लेन्स हैं जहां पे सारे फूड जॉइंट्स और सारे शॉप्स हैं। शाम को मैं मेरी सिस्टर के साथ वॉकिंग पे आऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। लास्ट टाइम नहीं दिखा पाई थी बिकॉज़ हम लोग मयूरी के घर पे गए थे और मैं यहां पे तो टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाई थी। लेफ्ट में सारे मतलब गेट के बाहर जाके आई विल गेट सम स्टफ एंड आई विल सी यू लेटर। एंड गाइस, इफ यू नो मी यू वुड नो कि मुझे कितनी खुशी होती है फ्रेश वेजेस एंड फ्रूट्स देख के। गाइस, मेरा नसीब इतना खराब है, मुझे बाहर ब्रेड ही नहीं मिला जो मुझे चाहिए था ब्रेकफास्ट के लिए। और मम्मा, और मैंने एक्साइटमेंट में इतनी चीज़ें ले ली, फ्रूट्स वगैरह, मुझे ये सब उठा के जाना पड़ेगा अनदर कॉर्नर ऑफ माय सोसाइटी टू गेट ब्रेड। कभी कभी सुपरमार्केट जाने का ये भी है भाई कि यहाँ पे कोई चीज़ ढूंढना, मतलब इट्स अ टास्क। एंड आई फाइनली फाउंड द ब्रेड। माय सिस्टर हैड कॉल्ड मी आस्किंग कि तू किधर है, क्योंकि वो उठ नहीं रही थी, तो मैंने गुस्से में बोल दिया था मैं जा रही हूँ अपना सामान लेके, तुम लोग मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं दे रहे हो। और मैंने बोल दिया मैं नीचे आई हूँ ब्रेड वगैरह लेने के लिए, मुझे उसको बोलना चाहिए था, मैं निकल गई, मजा आ गया। मैंने डिसाइड किया है कि इस बार आई एम गोना डू सम चेंजेस टू माय हेयर। आई एम गोना हैव अ हेयर मेकओवर एंड आई हैव दिस मैन अजीत, हेलो अजीत, हु इज गोना डू इट फॉर मी। मैं थोड़ा प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाने वाली हूँ बिकॉज देयर आर सो मेनी ब्रेकेजेस इन माय हेयर और शायद मैं कुछ हाईलाइट भी करूंगी, हाईलाइट्स भी कराऊंगी, मतलब आई मीन आई विल जस्ट चेक द कलर्स एंड इन केस इफ आई लाइक देम आई एम गोना डू दैट। तो आप मेरा ये वीडियो एंड तक देखना टू सी कि मेरा हेयर मेकओवर कैसे हो। सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर हेयर वॉश वेयर ही वाज अप्लाइंग सम लोशन टू माय हेयर। माय गॉड, एंड द स्मेल ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज सो बैड, सो बैड। इट वाज स्वीट बट वेरी स्ट्रॉन्ग, माय आईज वर बर्निंग एंड दिस स्मेल आई कुडंट टॉलरेट। तो यहाँ पे ही हैड कवर्ड माय हेयर फॉर 45 मिनट्स और उसके बाद इसको ब्लो ड्राई करके आयन किया था एंड सी द रिजल्ट। बाय द वे गाइस, मैंने हेयर कलर नहीं किया था बिकॉज ही टोल्ड मी दैट इट्स अ केमिकल ट्रीटमेंट एंड आई डिडंट वांट टू डू दैट। So guys, these are my hair for you all. Wow! अभी दो दिन बाद आई नीड टू वॉश दिस वन। फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं वॉश करने के बाद, एक्चुअल में पता चले 3:30 नाउ। मैंने सोचा था आज मैं मेरी सिस्टर्स को लेके बाहर डिनर पे जाऊंगी, बट आई गेस दैट वोंट बी अ गुड आइडिया। तो मैं आज घर पे ही कुछ कुकिंग करूंगी एंड हम लोग घर पे कुछ खाएंगे सो दैट वी विल गेट मोर टाइम टू स्पेंड टुगेदर। पता नहीं डिनर पे जाएंगे वहाँ पे बातें भी नहीं हो पाती है ढंग से कुछ। So let me know if you like my nail paint. तो अभी मैं थोड़ा सो रही हूँ एंड I'll just see you all once my sister comes back. मैं सोचा मैं प्लान चेंज कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ कुकिंग हम लोग इवनिंग में बाहर थोड़ा सा स्नैक्स खाने के लिए जाएंगे, लाइक छोले भटूरे या सैंडविच पाव भाजी ऐसे कुछ। अभी फिलहाल मैं और ये मेरी बहन हम दोनों जा रहे हैं पानीपुरी खाने के लिए, विच इज अ मस्ट व्हेन वी कम हियर, आई मीन व्हेन आई गो एनीवेयर। तो अभी हम लोग पानीपुरी खाने जा रहे हैं एंड आई विल शो यू तब मेरा सोसाइटी। हम लोग चाट खाने के लिए आ तो गए बट इट्स रेनिंग और मैंने छाता नहीं लिया है एंड आई एम नॉट सपोज टू वॉश माय हेयर फॉर 2 डेज। रोशनी पढ़। सो दैट्स द फ्रंट साइड ऑफ माय सोसाइटी और यहाँ पे ये सारे शॉप्स हैं लाइन से एंड थोड़ा सावली सावली तो सर सावली नहीं कहता शेड्स मगर एंड आई शो यू वेयर वी आर गोइंग फॉर पानीपुरी। दैट्स द प्लेस जहाँ पे हम रोज पानीपुरी खाने आते थे व्हेन आई यूज्ड टू स्टे हियर। गाइस, दिस इज क्रीम चीज जहाँ पे हम आइसक्रीम खाने आते थे ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेटिव। आज भी आएंगे, लक्ष्य को बोलेंगे कि हमको खिला दे, अगर उसने खिलाया तो ही आएंगे। लुक एट दिस। सो गाइस, ये हमारे सोसाइटी का गार्डन है
ये साइड में बहुत अच्छा व्यू है, ये रोशनी यहाँ साइड में, तो मैं आपको ये साइड वाला आज दिखा देती हूँ। लेफ्ट साइड वाला जो है आई शो यू सम अदर टाइम, वहाँ पे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगी, बट ये साइड बहुत ही प्यारा है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज दैट्स द एंड ऑफ दिस कॉर्नर, नॉट रियली एंड, बट इसके आगे बस एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, एंड दिस इज द लेक, द क्लोजर लुक ऑफ द लेक। यहाँ पे हम गणपति विसर्जन भी करने आते हैं एवरी ईयर, एंड दैट्स माई सोसाइटी इसके पीछे, सो दिस इज सो सुंदर मैन। हेलो गाइस, ये हम यहाँ पे हमारी दूसरी सिस्टर पे प्रैंक करने का प्लान कर रहे हैं। पूरे पहुँच लिए हैं। यहाँ पे हमने उसको बताया है कि मैं ऑलरेडी निकल चुकी हूँ पुणे के लिए, एंड शी डजंट नो दैट आई एम स्टिल हियर। अरे वो सांगत का ना गुड। सो गाइस, इवनिंग में जब मेरे को मेरी बहन का कॉल आया था तो हमने उसको बोला था कि मैं निकल चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि उसने आज ऑफिस से छुट्टी नहीं लिया, तो फिर हम लोग अभी उसके ऊपर एक प्रैंक कर रहे हैं कि मैं निकल गई हूँ। उसने इसको बोला था चावल बना के रखना, तो फिर उसने मतलब हिंदी में तो बोलता से इतना इकड़े आने। सो शी हैड टोल्ड कि मैं अभी जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे और मैं आने के बाद बनाऊंगी, और वो बहुत गुस्सा हो गई थी, तो मैं दिखाती हूँ उसने कॉल पे क्या बात किया था इसके बाद में। तो अभी हम लोग रेडी होके उसके साथ प्रैंक करने वाले हैं। सो गाइस आई एम रेडी, ज़्यादा कुछ हम लोग नीचे ही जा रहे हैं, तो नीचे के हिसाब से मुझे लग रहा है लिपस्टिक ज़्यादा हो गई है। एंड गाइस माय सिस्टर इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर परफ्यूम्स, तो लक्ष्य जस्ट इन केस इफ यू वाचिंग दिस। बाबा गाइस अभी लक्ष्य आ गई है, तो मैं ये फोन कहीं पे रख के उसके ऊपर प्रैंक करने वाली हूं। देखो पूरा चंद्रयान तक आवाज गया होगा जो अभी अभी लैंड हुआ है गाइस। और ये आउट ऑफ नो वेयर वी डिसाइडेड टू मेक अ रील ऑन वन ऑफ द सॉन्ग बिफोर वी गो डाउन स्टेयर्स टू ग्रैब आर स्नैक्स, तो या अचानक से हमारा मन हुआ कि हम लोग कुछ डांस रील्स बनाएंगे। ये लड़की है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा, अदरवाइज मैं आज निकल जाती पुणे के लिए। तो पूरा मेकअप धुल गया यार हमारे डांस कर करके, इट्स सो हॉट हियर। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, और देन आई विल सी यू, वी विल सी यू आफ्टर। सो गाइस बिजनेस तो उच कर तो जो लाजत नहीं। सो गाइस हम लोग ने सोचा था पाव भाजी वगैरह खाएंगे, बट इस मैडम को राइस खाना है क्योंकि इसने इसको भी बोला था राइस बना के रखना, तो एक काम करना तो घर ही जाओ स्टीम राइस खा लो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे शोरमा खाने के लिए, और शोरमा के साथ साथ आई एम जस्ट होपिंग हम शोरमा खाएंगे, बट नॉन वेज ही हम लोग वेज खाएंगे क्योंकि हम वेजिटेरियन है और मैं मारवाड़ी हूं। नहीं कारण हमसे श्रावण सा गया, बट मैं खा लूंगी जो मिलेगा। नहीं फिर ये दोनों भी घर मैं नॉन वेज नहीं खाती गाइस, आई वाज नॉन वेजिटेरियन बट आई हैव टर्न वेजिटेरियन नाउ। दिस स्पॉटेड दिस क्यूटी
आवाज देऊ कैला वेटिंग फॉर अ ऑर्डर लेकिन ये छोटू सा फूड जॉइंट है इन केस यू कैन सी बहुत कूल सा छोटू सा एंड दैट्स वेयर वी आर सिटिंग वेल सो गाइस कल रात को ये सो गई थी और इवनिंग में मैं और रोशनी नीचे पानी पूरी खाने आए थे तभी मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें बताई थी ऑब्वियसली बहनों वाली चुगलियाँ और बातें तो शी वांटेड टू नो आई मीन दिस गर्ल वांटेड टू नो एवरीथिंग तो वहाँ यहाँ पे सेम टेप रिपीट हो रहा है अभी तो गाइस इनको ले जाना मुझे महंगा पड़ गया मतलब खाने के साथ साथ डोनट्स डोनट से 500 रुपए ट्रांसफर करा 100 रुपए जो डोनट्स कुठले किती डोनट आहे जो डिनर पे लेके जाएगा वही Hey y'all, so I'm ending this vlog here. I hope आपको ये vlog पसंद आया रहेगा Everything that is there in this particular vlog. Do let me know in comment section if you like this one और also इस vlog को like ज़रूर करना और आपके friends लोगों के साथ share करना Also अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करना Thank you for watching.